अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू अदर ट्रैकिंग व्लॉग। इस टाइम मैं कंटक्की स्टेट में, कंटक्की स्टेट का पहले आपने नाम नहीं सुना होगा, मैं आपको बता देता हूँ। KFC वाले अंकल हैं, वो इसी स्टेट के थे। उन्होंने स्टेट के नाम से रेस्टोरेंट ओपन किया था जिसका नाम था कंटक्की फ्राइड चिकन, मतलब KFC। तो आपको समझ आ गई होगी। अब यहाँ से निकलते हैं। इस स्टेट के बिल्कुल साथ में टेनेसी स्टेट है, काफ़ी क्रिमिनल स्टेट है। कल मैं आया था इस स्टेट में, 10 डिलीवरीज मैंने कर दी थी, एक रह गई है। तो अब चलते हैं, जाके वो डिलीवरी करते हैं, उसके बाद लोड करते हैं पिक, और फिर देखते हैं लोड कहाँ से करना है पिक। तो इस बार ही मेरे पास रीफर है, लेकिन जो इसके अंदर लोड है वो ड्राई लोड है। तो अब इसके अंदर सिर्फ 2 स्किड पड़ी हुई हैं इस जगह पे करके। तो चलते हैं और जाके इन स्किडों को करवाते हैं डिलीवर। और उसके बाद सुबह हो चुकी है। गुड मॉर्निंग गाइस। ड्राइव करते हैं यहाँ से स्टार्ट। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं जब भी ड्राइव स्टार्ट करता हूँ ना सुबह, सो मैं यही सोचता हूँ कि आज का दिन अल्लाह दे दी बस। तो ये है कि दुआ वगैरह पढ़ के अपना दिन स्टार्ट करते हैं, बाकी अल्लाह खैर करेगा। यहाँ से जस्ट 28 माइल है, यहाँ से कोई 25 मिनट की ड्राइव है। तो आपको ये ट्रक आगे नज़र आ रहे होंगे, इन्होंने रोड के ऊपर ही पार्क किए हुए हैं, बिकॉज इन भाइयों को पार्किंग नहीं मिली रात में, और यहाँ से ये रोड बंद है तभी इन्होंने पार्क किए हुए हैं। जी बस, तो मैं पहुँच चुका था कंपनी में, और यहाँ पे आप करते हैं बैकिंग। तो काफ़ी टाइट कंपनी है, बड़े ध्यान से बैकिंग करनी पड़ेगी यहाँ पे। बाहर से रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता मैं, कई कंपनीज़ की पॉलिसी होती है कि हम उनकी प्लेस पे जाके रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। चलो अब करते हैं। एक बंदा डॉग पे अनलोडिंग करवा रहा था, उसके बाद मेरी बारी थी। जब भी हमें बैकिंग करनी होती है ना, तो हमें ये वाला मिरर नीचे करना होता था, ताकि अगर पीछे कोई बंदा हमें कॉल कर रहा है, कोई बंदा बुला रहा है, या कोई भी मतलब कि ये मिरर नीचे करके ऑलवेज बैकिंग करनी होती है हमें। अब ये पेपर वर्क मुझे अंदर लेके जाना है ऑफिस में, उनको देना है, और वो फिर अपना सामान निकाल के इसके ऊपर साइन कर देंगे कि हमें अपना सामान सही सलामत मिल गया है। इसका मतलब ये होता है कि प्रूफ ऑफ डिलीवरी। तो इसको मैं जाके अब अंदर दे देता हूँ, उसके बाद फिर देखते हैं। अभी तक लोड नहीं आया, कहाँ से लोड पिक करना है, क्या सीन है, बताता हूँ फिर आपको। फ्यू इंचेस लेटर पेपर वर्क में ड्रॉप कर रहे हैं, अभी है कि 5 या 10 मिनट लगाएंगे, 2 तो वैलेट है, इतना टाइम नहीं लगाएंगे। तो अब देखते हैं। डिस्पैच को मैंने मैसेज कर दिया है, भाई एम्प्टी हो गया हूँ, तो कोई लोड शोड भेज दें। तो डिस्पैच ने बोला है भाई वेट करो, ट्रक स्टॉप पे आ जाओ, अभी कोई लोड नहीं है। तो ये है कि अब देखते हैं क्या सीन है, कितना टाइम लगता है। सो यूजली ये होता है कि अभी मैं जैसे कि बॉर्डर के बिल्कुल पास आया हूँ, तो लोड मिल ही जाता है। कभी ऐसे नहीं हुआ कि लोड ना मिला हो। अगर मैं कहीं फार गया हूँ, कैलिफोर्निया, ह्यूस्टन, किसी और जगह पर, तो फिर 1-2 दिन वेट करना पड़ जाता है। लेकिन बॉर्डर के बिल्कुल पास हमारी कंपनी के काफी लोड्स होते हैं। तो गाइस, कंपनी की सेफ्टी चेक करें। एक बंदा अंदर से आया, आगे आके जो है ना वो कोन्स रख गया, ताकि भाई ट्रक मूव ना कर सके, और व्हील चाक भी लगा गया, शायद आपको नजर आ रहे हैं, नहीं आ रहे। सो मुझे आके बंदे ने बोला है अब आपने ट्रक से बाहर नहीं निकलना जब आपकी डिलीवरी डन होगी, पेपर वर्क है वो हम आपको ट्रक में आके भेजेंगे। मैंने कहा जी ठीक है। तो अब मैं वेट कर रहा हूँ उसका। सो जो लाइट है वो ग्रीन हो चुकी है, मतलब ये कि डिलीवरी डन होगी। तो बंदा इनसे पूछे कि जब मैं कंपनी में एंटर हूँ, मैंने उतर के ट्रेलर के डोर ओपन किए, तब भी तो मैं नीचे उतर ही था, नीचे कौन सा चांद है। अब ये बंदा व्हील चॉक मूव करेगा, आपको नजर आ रहा है ना,
अब यहाँ से निकलते हैं. Have a good. Can I move now? Yeah, you go. Thank you, sir. ये जो गोरे लोग हैं ना, ये अपनी सेफ्टी का बहुत ध्यान रखते हैं. मतलब कि ये सेफ्टी में कोई चांस ही नहीं है. अगर आपने कोई गलती की है, अगर मैं इनका यहाँ कोई रूल ब्रेक करता हूँ, तो ये मेरी कंपनी को कॉल करके मुझे यहाँ बैन कर देंगे कि आज के बाद आपने ये बंदा इस कंपनी में नहीं भेजा. तो ये है कि सेफ्टी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है. अब मैंने तो पूछ लिया भाई, मैं यहाँ से मूव हो जाऊँ, ट्रेलर के डोर बंद कर लूँ. 1 hour later. जहाँ से मैंने सुबह ट्रक निकाला था वहीं पार्क कर लेता हूँ. Your seat belt is unbuckled. अच्छा ठीक है जी. Your seat belt is unbuckled. Okay. नहीं बल्कि यहाँ पार्क कर. Your seat belt is unbuckled. ये वाली मुझे पार्किंग लॉट अच्छी लग रही है. Your seat belt is unbuckled. भैया सबर कर लो, पार्किंग लॉट चाहिए. Your seat belt is unbuckled. इसने बोली है ना, 5 से ऊपर स्पीड जाती है ना, तो ये बोलने लग पड़ती है. वेट करते हैं लोड का. तो बॉयस अपनी पार्किंग हो गई है, वो सामने आपको नजर आ रहा है अपना शेयर. इधर डिस्पैच आ गई है, अब यहाँ से चलते हैं लोड पिक करने. रीफर का लोड है, अब रीफर अंदर से क्लीन करना होगा, तो उसको मैं क्लीन कर लेता हूँ, फिर यहाँ से निकलते हैं. मैंने एड्रेस लगा लिया, तो यहाँ से 2.5 घंटे मुझे आगे जाना है लोड पिक करने. के ऊपर चढ़ना मुश्किल हो जाएगा, इसको मैं थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ और फिर आराम से इसको अंदर से क्लीन करते हैं. यहाँ पे एक ड्राइवर पार्क करना चाह रहा है, उस भाई की मैंने हेल्प करवा दी है, ब्लाइंड साइड बैक कर रहा है भाई. A few moments later. तो रिफर कर दिया क्लीन, अब यहाँ से निकलते हैं. तो मैं पहुंच चुका था लोकेशन पे. ये फार्म हाउस है, यहाँ से मुझे करना लोड पिक. यहाँ ही मैं ट्रक से हाल पार कर लेता हूँ. ये इनका घर है और साथ में पीछे इनका फार्म हाउस है. तो मैं इनसे पूछ लेता हूँ कि कहाँ पे मुझे ट्रक पार करना है अपना. ऐसे ट्रैक्टर होते हैं यूएस में जिससे किसान भाई खेती करते हैं. तो मैंने यहाँ से वाटरमेलन पिक किए हैं, अब मुझे इस लोड को सिक्योर करना है. एक मैं स्ट्रैप यहाँ लगा देता हूँ. अब ये भाई यहाँ पैकिंग कर रहा है, इस भाई की अब बारी है. अब मुझे जाना है ट्रक स्टॉप पे, बिकॉज जो वाटरमेलन का लोड होता है वो काफ़ी हैवी होता है. तो मुझे अब इसकी जाके करवानी है स्केल. ये जो सामने आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये फार्म हाउस के ओनर का घर है. तो US कैनेडा में ऐसे फार्म हाउस होते हैं, गोरे लोग हैं वो ज़्यादा फार्म हाउस के काम करते हैं, खेती का.
तो ये है कि जब मैंने ड्रोन फ्लाई किया था तो मैंने इसके ऑनर से पूछा मैं यहाँ पे ड्रोन फ्लाई कर लूँ, उसने कहा क्यों नहीं करो। तो ये है कि बड़ा अच्छा बंदा था ओनर, तो रोड भी उसने राइट वे कर दिया। ये आपको साइडों पे नज़र आ रही है, ये ट्रालियाँ पार्क हैं यहाँ पे, तो जैसे यहाँ से ये वाटरमेलन निकालते हैं ज़मीन में से और ये फिर आगे मार्केट में इसके ऊपर बेचते हैं। जी बॉयज़, तो वेट हो गया अपना, अब यहाँ से निकलते हैं। जो ग्रोस वेट था वो 79,000 LBs था।